नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है शास्त्री चौक पर, गोरखपुर के शास्त्री चौक पर। यहाँ पर भारत वंदन समिति के लोग मौजूद हैं, जो विगत 8 अगस्त को कलकत्ता के अंदर जो कांड हुआ, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर्स को के साथ रेप हुआ और उसके बाद उनकी जगन हत्या कर दी गई, उसके विरोध में आज रक्षाबंधन के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पे कर रहे हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं कि सरकार जो भी कल्प्रिट है, जो भी उसमें लिप्त है अपराधी, उसकी जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल किया जाए और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बल्कि यहाँ तक भी मांग हो रही है कि तत्काल उसको फांसी दी जाए। आइए देखते हैं क्या उनकी डिमांड है और क्या इनका कहना है। किस लिए आज प्रोटेस्ट, आज इतना पावन पर्व, आज रक्षाबंधन का और आज प्रोटेस्ट? जी, जैसा कि आप सबको पता है कि बंगाल में जो भी अभी आपका केस चल रहा है ममिता के लिए, उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि सरकार ने अभी तक रेप के खिलाफ कोई भी बड़ा सजा निर्धारित नहीं किया है। अगर एक सजा निर्धारित हो जाए ना, तो उनमें एक खौफ आएगा, फिर वो इस चीजों को करने से डरेंगे। निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद तो कानून बना ही है। जी नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि एक फैसला लेने में एक जो 2 दिन का समय लगना चाहिए वो 9 साल लगा है ना, तो ऐसे कानून नहीं होना चाहिए। आप तुरंत फैसला लीजिए, तुरंत उस पे अपना काम कीजिए। तो वो होता है कि आप जो भी फैसला बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, यही कानून होना चाहिए इसके लिए कि जो भी ऐसा करते हैं उनको सीधे फांसी की सजा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए बनी है ना कि अगर इस तरह का कोई केस है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है तो तत्काल उस पर जो है वो होता है। तो कानूनी प्रक्रिया है, कानून बनाने में समय लगा, लेकिन उसके बाद बंद तो गया। सब बंद तो गया, बट वो एक चीज होता है ना कि खौफ नहीं आ पाया लोगों में, क्योंकि सबके माइंड में ये चल गया ना कि टाइम लगता है, हम बच सकते हैं। 9 साल का समय कुछ टाइम होता है, आखिर वो 9 साल आराम से घुमा खाया पिया हर चीज किया ना उसने, तो वो चीज हुआ कि उसके सबके माइंड में फिट हो चुका है कि कोई नहीं, ऐसी सरकार है, समय दे रही है, 9 साल पता चला कि हम खुद की मौत भी मर सकते हैं 9 साल के अंदर, ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो तो बच ही जाएगा ना। ऐसे लोगों को तत्काल तुरंत सबके सामने चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? ये ममता नहीं, ऐसा कानून बनना चाहिए, सरकार को ऐसा कानून बनानी चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर हम ही ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने लिए अपनी सुरक्षा खुद करें, फिर यही हो सकता है। फिर हम सबको तलवारें चाकू घोपते चले जो हमारे साथ ऐसे करने के लिए रेडी होते हैं, फिर यही हो सकता है। अगर सरकार इतना जल्दी वो चीज नहीं कर सकती है, कानून नहीं बना सकती है, उस पर अपना काम नहीं कर सकती है, तो फिर हम खुद करेंगे। तो आज का जो विरोध है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है बेसिकली, अगर बात बेसिकली मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं किसी राज्य या किसी अलग तरीके से बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ भारत में बता रही हूँ कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भाजपा सरकार, आप उसके खिलाफ बोल रही हैं? नहीं, मैं आपने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ? मेरे बात देखिए, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं बस इतना चाहती हूँ कि भारत बनाएगा ये कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो बनाएगी और सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मेरी बात सुनिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, बस मेरी इतनी मांग है कि आपका जो भी बनता है, आप जो भी कानून बनाते हैं, जो भी नियम बनाते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई करने वाली बातों को रखें। नियम कौन बनाएगा, वही तो पूछ रहे हैं। नियम सरकार ही बनाएंगे, नियम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात आप कर रहे हैं ना, ये मोदी सरकार की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं से मांग कर रहे हैं ना, बना सकते हैं जी। चलिए, यहाँ पर एक ये नई फाइंडिंग आती है कि मोदी सरकार से इनकी सीधे सीधे डिमांड है कि जो ट्रायल और फास्ट ट्रैक है उसको चेंज करें और उसको इस तरह से कोई नया कानून लाए जिससे एक नजीर पेश हो। और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते, आपका क्या कहना है इस मामले? हम लोग को स्वयं का सुरक्षा चाहिए और जो दरिंदे घूम रहे हैं खुलेआम, उनको इतनी कड़ी सजा मिले ताकि और करने वाले उनकी रूह कांप जाए, यही हमको चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन इतना अभी 8 तारीख को हुआ, वो अरेस्ट हो गया, ट्रायल चल रहा है, फिर एजिटेशन, ऐसा इतना जल्दी प्रोटेस्ट, इतना जल्दी? अगर हम लोग देखिए, हम लोग तो हैं कि हमारी भी बहन बेटी होगी जिसकी हत्या हुई है, तो जिसकी हत्या हुई है अब खुलेआम अगर वो घूम रहा है, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, कैसे खुलेआम घूम रहा है, वो तो गिरफ्तार हो गया है। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को सजा दी जाए। आज मुरादाबाद में घटना हुई है, एक ट्रेनी डॉक्टर है उसके साथ रेप हुआ, आज के उत्तर प्रदेश की घटना, उसको आप कैसे देखते? घटना कोई भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या बंगाल देश की, किसी देश की हो, वो गलत है और उस पर कार्रवाई करेंगी सरकार ही करेंगी, चाहे जिस जगह की सरकार हो, चाहे सेंट्रल सरकार हो, चाहे कलकत्ते की हो, बांग्लादेश की हो, कोई भी सरकार हो,
महिला की सुरक्षा का जिम्मा सरकार के ऊपर आता है। अभी तो हम उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आज ही डॉक्टर के साथ हुआ है, तो क्या इस तरह का कोई एक्शन आप लोग का भविष्य में होगा? बिल्कुल एक्शन होगा महाराज जी, करेंगे इस पर एक्शन। आप घटना हुई है तो उसका महाराज जी बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे, क्यों नहीं देंगे, उन्हीं को करना है ये सब, सरकार उनकी है तो उन्होंने जहां जहां ये घटना अभी तक हुई है महाराज जी ने पूरा न्याय दिया है महिलाओं को। ये नहीं कह सकते कि महिलाएं को न्याय नहीं मिला, पूरा जाके उनका हर चीज जाके महाराज जी खुद जाके देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और अच्छे से न्याय दिलाते हैं। उन्नाव का भी केस मालूम है कितना न्याय हुआ है? वो तो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और उस पर केस चल रहा है। लखीमपुर का भी केस देखा है? बिल्कुल। हाथरस भी देखा है? बिल्कुल। वो सही है? क्यों सही होगी, सरकार कर रही है, अगर जहां पर जहां तक हमारे सरकार की निगाह जा रही है कि उसको बलात्कारियों को वहां रोक लगाना है तो वहां पहुंच रही है सरकार। अनूप शंकर तो जेल में बंद है, उनका तो अभी तो 3-4 साल हो गया, अभी तक कोई ट्रायल हुआ नहीं। बाकी तो मैं जानती नहीं हूँ सर, बाकी का तो मैं नहीं जानती, जहां तक मेरी निगाह जा रही है मैं उसी के बारे में बता सकती हूँ, बाकी का तो मैं राजनीतिक में तो हूँ नहीं, मैं जनता हूँ, मेरी जनता की जो मांग है वो मैं बता रही हूँ, जो मेरी महिलाओं की मांग है मैं वो बता रही हूँ, मैं राजनीतिक में नहीं हूँ लेकिन सरकार से मांग करती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पर इनका साफ साफ ये कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या किसी अन्य दल की सरकार हो, हर कीमत पर महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, इसकी डिमांड लेकर करके आज यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर मधुमिता देवनाथ की श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और कामना कर रहे हैं कि जो भी कल्प्रिट है उसको जल्द से जल्द सजा मिलेगी। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।